यह है 100 फोक्स की मोटराइजर मशीन। तो यह मशीन जो आती है वो बेंच मोटराइजर मशीन की तरह आप इसे यूज़ में ले सकते हो। इसे कंपनी ने सिंगल डिज़ाइन वर्क पर्पज़ के लिए बनाया है। ओवरऑल अगर मैं मोटराइजर मशीन के बारे में आपको बताऊं तो लमसम आपको 2 मोटराइजर मशीन देखने को मिलेगी। एक तो आती है चेन मोटराइजर मशीन और एक आती है बिट मोटराइजर मशीन। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 100 फोक्स आती है उसका जो बिट मोटराइजर आता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे टूल एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है और जो भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे जो भी बेल आइकन है उसको प्रेस कर सकते हो। तो फिलहाल हम अगर बात करें बिट मोटराइजर मशीनरी के बारे में तो आज हम बात करने वाले हैं जो फोक्स कंपनी का जो 100 फोक्स के बेंच मोटराइजर मशीन आती है जो कि हैंडली ऑपरेटेड होती है उस बिट मोटराइजर के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा ओवरऑल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन दूँ मोटराइजर मशीनरी के बारे में तो मैं आपको बताता हूँ कि जो 100 फोक्स कंपनी में आपको 2 मोटराइजर मशीनरी आपको देखने को मिलेगी। एक आती है हैंडली ऑपरेटेड एंड एक आती है मैनुअली जो कि हाइड्रोलिक कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस होती है जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करती है। यह हैंडली ऑपरेटेड से थोड़ी कॉस्टली आपको बजट में आपको कॉस्टली पड़ सकती है क्योंकि जो हाइड्रोलिक कंप्रेसर द्वारा और जो मशीनरी वगैरह अदर से अटैच होती है उसके कारण यह थोड़ा बजट में हमें हेवी पड़ती है। और इस जो वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले वो लो प्राइस के अंतर्गत बात करेंगे क्योंकि यह हैंडली ऑपरेटेड होती है। इसे आप कहीं पे भी अपने जो आप शॉप वर्क स्पेस या फिर अपनी जो साइट वगैरह कहीं पे भी चल रही है जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे इसे आप कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हो। इसके अंतर्गत अगर मैं मोटर की बात करूँ तो वो आपको 3 HP की मोटर आपको देखने को मिलेगी जो कि सिंगल फेस में मोटर आती है। इसमें आप जो टोटली वर्क करते हो वो फास्टली वर्क कर सकते हो। इसमें आप जो वुड वगैरह में जो स्क्वायर होल वगैरह निकालते हो वो आसानी से आप इसमें स्क्वायर होल निकाल सकते हो। जो भी वुड वर्किंग के आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह हो उसमें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इसके साथ कंपनी आपको जो बिट्स वगैरह के अगर मैं ओवरऑल बिट्स वगैरह की बात करूँ तो कंपनी आपको 4 पीसेस में कॉम्बो प्रोवाइड करती है। जो बिट्स वगैरह आते हैं उसमें आपको अलग अलग साइज वगैरह के अनुसार आपको बिट्स वगैरह कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें आपकी जो साइज वगैरह है कितनी साइज में आप लेना चाहते हो उस अनुसार भी आप इसमें जो बिट्स वगैरह है वो कंपनी द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका जो नीचे का स्ट्रक्चर बना हुआ आता है वो भी स्क्रॉलिंग स्ट्रक्चर बना हुआ आता है जिसे आप बेंच वगैरह में भी आसानी से रख सकते हो जिसे आप आसानी से उस बेंच के ऊपर आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। अगर फिलहाल आपको जो वुड वर्किंग के अगर लंबे प्रोजेक्ट्स वगैरह करने हैं तो आप साइड में जो भी जो डॉक क्लिप वगैरह आती है उसे लगा के आसानी से भी इसमें जो इसकी लेंथ है वो भी बढ़ा सकते हो जिससे आप वर्क आसानी से कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं इसके प्राइस वगैरह की बात करता हूँ तो कंपनी ने इसका प्राइस समथिंग अप्रोक्सीमेट इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो वो 40,000 के समथिंग इसका प्राइस रखा है। इसमें जो और भी अदर में फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आप जो लॉकिंग सिस्टम भी आप देख सकते हो जिसमें आपकी अपनी साइज़ के अनुसार जहाँ पे जितना आपको स्क्वायर होल वगैरह निकालना है डीप वगैरह का एडजस्टिंग करने का सिस्टम भी आपको प्रोवाइड किया है जिसमें आप जितनी डीप वगैरह लेना चाहते हो उस वहाँ पे जाके आपको लॉक कर सकते हो जिसे ऑटोमेटिकली जहाँ पे हमें होल जितना होल को निकालना है वहाँ तक ही है ऑटोमेटिक वहाँ पर रुक जाएगी। और इसमें और भी अगर मैं बात करूँ चक वगैरह की वो चक भी हाई एफिशिएंसी या फिर हाई क्वालिटी का कंपनी द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें बिट्स वगैरह आसानी से चेंज एंड रिमूव आप इंस्टॉलेशन जो भी करना चाहते हैं वो इजीली हो जाता है। और इसमें जो बिट्स वगैरह आते हैं वो कार्बोराइट स्टील के बने हुए आते हैं जो कि हाई जो स्टील वगैरह आती है कार्बोराइट उसके बने हुए आते हैं जिसमें जो वर्क है जो हार्ड वुड वर्क वुड आती है उसमें होल वगैरह को आसानी से निकाल सकते हैं जिसमें हमें जो जो बिट्स वगैरह वो इतने जल्दी आपको ख़राब नहीं होते। और इसके बिट्स की अगर मैं आदर से आप अगर परचेज करना चाहते हो वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ते
क्योंकि हम अगर मैं चेन मोटराइजर की बात करूं तो वो चेन जो हम वगैरह लेके आते हैं वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि वो 2.5 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आपके पड़ता है। और बिट मोटराइजर में इतना खर्चा नहीं पड़ता, क्योंकि 400 रुपये में आसानी से आपको बिट प्रोवाइड हो जाता है। और इसमें जो बिट्स अलग से आपको कंपनी और भी बिट्स वगैरह आपको कंपनी प्रोवाइड कर सकती है जो भी आपको अदर से लेना चाहते हैं। इसमें एक स्लाइड वगैरह भी कंपनी ने अटैच किया है, वो है कंप्रेसर द्वारा, जिसमें है ऑटोमेटिक जो हम स्क्रॉल होती है, जिसमें हम हैंड से नीचे की तरफ लेके आते हो ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक स्क्रॉल होती रहती है। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। और इसमें जो पीछे की तरफ कंपनी ने एक स्लाइड वगैरह भी आपको अटैच करके दिया है, जिसमें स्मूथली स्लाइड आपको देखने को मिलती है। और इसमें जो अप डाउन हम आसानी से जो भी नीचे अप डाउन करते हैं वो स्मूथली एंड एक्यूरेसी वर्क के साथ आप आसानी से कर सकते हो। और भी इसमें जो नीचे की तरफ हम बूट की जो स्क्रॉल करते हैं होल वगैरह को, वो भी आसानी से इसमें आप आसानी से कर सकते हो। जहाँ पे भी आपको एक्यूरेसी के साथ होल वगैरह निकालने हो वो भी बहुत ही सिंपली एंड वर्क की जो भी आप करना चाहते हो वो आसानी से कर सकते हो। और इसका जो ओवरऑल अगर मैं वेट की बात करूँ तो बहुत ही लाइट वेट कंपनी द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। और इसके जो हैंडल वगैरह की बात करूँ तो वो स्मूथ हैंडल आपको दिया जाता है। ऊपर का जो पोर्शन आपको मिलता है हैंडल में, वो प्लास्टिक का या फिर रबड़ का बना हुआ आता है, जो कि आपके हैंड्स वगैरह में स्मूथली वर्क के लिए बहुत ही स्मूथली आपको मिलता है। और इसमें जो पीछे की तरफ में डेप्थ एडजस्ट करने का आपको सिस्टम मिलता है, जो लॉकिंग सिस्टम आता है उस अनुसार आपकी आपको पीछे की तरफ लॉकिंग सिस्टम मिलता है। स्पीड को ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, जो भी आपकी जो स्पीड वगैरह के लिए भी इसमें कंपनी ने ऊपर की तरफ जो पावर बटन आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप आसानी से जो भी स्पीड वगैरह है वो आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। इसमें अगर बिट्स को आपको ओपन एंड इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी कंपनी ने अलग से की आपको प्रोवाइड की है चक के लिए, जिसमें आप जो भी बिट्स वगैरह चेंज करना चाहते हो वो आसानी से उस की द्वारा ओपन करके आप आसानी से चेंज कर सकते हो। और अगर मैं ओवरऑल अगर इस मशीनरी के बारे में बात करूँ तो मशीनरी में जो भी जो मटेरियल वगैरह यूज़ किए गए हैं वो हाई जो मटेरियल वगैरह आते हैं वो यूज़ में किए हैं, जो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी जो क्वालिटी वगैरह यूज़ की गई है कंपनी द्वारा। और इसमें आप जो सभी प्रकार के जो वुड वर्किंग के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह करना चाहते हो वो आसानी से कर सकते हो। और अगर आपको इसे परचेज करना हो या फिर विजिट करना हो, और भी अगर अगर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वुड फॉक्स मोटराइजर मशीनरी के बारे में, तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाके आप आसानी से विजिट कर सकते हो। और एक आपको अदर और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में या फिर और इंक्वायरी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपको जो भी सिचुएशन या क्वेरी है उसका जवाब आसानी से देंगे। और अगर मैं जो सोफोक्स कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो और भी वुडवर्किंग जो भी मशीनरी वगैरह है वो भी कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जिसे आप आसानी से जाके परचेज कर सकते हो।